हम बांद्रा से फाटक तब वो बना नहीं था, तो रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे थे, तो एक बहुत बुजुर्ग आदमी थे और उन्होंने बोला मुझे, ये आगे चल रहे थे, मैं थोड़ा पीछे चल रही थी, तो तब बोला शू जोड़ी छे। अब मुझे नहीं पता था, मैंने इनको गुजराती नहीं, मैंने कहा उस आदमी ने हम लोग को गाली दी। तो उसने बोला क्या बोले, कहते मैंने बोला शू जोड़ी छे, कहते इसका मतलब होता है कितनी सुंदर जोड़ी है। मैंने कहा तो उसको और ज्यादा मारो। नहीं एक्चुअली बात सही है, जोड़ी बहुत अच्छी है हमारी। अब तो शक्ल से भाई बहन भी दिखने लग गए। हमारे बच्चे हमें यही बात बोलते हैं, अब आप शक्ल से भाई बहन दिखने लग गए साथ रह रहे के। नमस्ते, बैठते हैं फिर बात करते हैं। अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट है ऐसा आपको लगता है? नहीं इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं। जब ये गंजे हुए थे ना तो मैंने थोड़ी देर के लिए दरवाजा नहीं खोला था। वो एक लास्ट मोमेंट था, बट अभी आई डोंट लाइक हिम विद हेयर्स। तो भगवान करे ऐसे ही रोल मिले, ही इज टू स्मार्ट, बहुत हैंडसम लगते हैं विदाउट हेयर। बाकी हाँ रोल्स के लिए डेफिनेटली बढ़ाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मेरा पर्सनल, अगर आप पर्सनल चॉइस पूछते हो तो ही इज ऑसम लाइक दिस ओनली। मैं सनी देओल पाजी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत टाइम से उनको फॉलो करती थी, तो उनका एक पोस्ट आया कि शेड्यूल वन पैकअप फॉर गदर टू, और मुझे लगा यार गदर वन गदर टू आ रही है, एक्साइटमेंट भी थी। फिर आप कास्ट देखते हो कि सकीना है उसमें, सनी देओल है, अच्छा अमरीश पुरी जी नहीं है यार। मैं तो ऐसे लगता था कि इस टाइम विलन तो हो गया होगा, डेफिनेटली फाइनल हो गया होगा, मन में ऐसा नहीं था, बट ये था कि अगर इस टाइम कुछ है कोई, अगर आई डोंट वॉन्ट टू यूज़ द वर्ड रिप्लेस, बट हाँ कहीं उनकी कमी को थोड़ा सा कुछ कोई पूरा कर सकता है, तो अगर मैं एज एन ऑडियंस, इट्स नॉट अपने हस्बैंड की तरह नहीं, एज एन ऑडियंस मैं देखूं, तो इस टाइम इंडस्ट्री में बॉलीवुड चाहे सीरियल चाहे कहीं पे भी, मुझे इनसे बेटर कोई नहीं दिखता था। तो ये डेफिनेटली, और मैं बहुत टाइम पहले कहीं पे कुर्ती भी अफवाह सुनी थी कि शायद मोगैम्बो भी फिर से बन रहा है, तो मैंने कहा यार मेरे घर पे मोगैम्बो 2 बैठा हुआ है। एक्चुअली घर पे इन्होंने मेरा विलन का रूप देखा हुआ है ना इसलिए। तो मोगैम्बो ना से ही कहीं ना कहीं छू लिया उसको डेफिनेटली। आपसे मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू, और शुभकामनाएं पूरे परिवार को एक तरह से, जिस तरीके से गदर आ रही है फिल्म, तो 12 साल से सर ने, मतलब सर में बाल नहीं है, आप बीच में इतने कहते नहीं थे कि अरे कोई ऐसा रोल करो कि अब बाल आ जाए वापस? नहीं इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं। जब ये गंजे हुए थे ना तो मैंने थोड़ी देर के लिए दरवाजा नहीं खोला था। वो एक लास्ट मोमेंट था, बट अभी आई डोंट लाइक हिम विद हेयर्स। तो भगवान करे ऐसे ही रोल मिले, ही इज टू स्मार्ट, बहुत हैंडसम लगते हैं विदाउट हेयर। बाकी हाँ रोल्स के लिए डेफिनेटली बढ़ाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मेरा पर्सनल, अगर आप पर्सनल चॉइस पूछते हो तो ही इज ऑसम लाइक दिस ओनली। इसके पीछे कोई और बात तो नहीं है कि कोई और ना देखे? नहीं नहीं ऐसे लोग ज्यादा देखते हैं, आपको पता नहीं है मेरा फेसबुक मैसेंजर भरा पड़ा है। क्या लेते हैं लोग? बहुत चाहने वाले हैं, बहुत चाहने वाले हैं, बहुत प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए गदर को लेकर आप कितनी एक्साइटमेंट है, और पहली गदर की क्या यादें हैं आपके पास? पहली गदर की यादें तो खैर कभी खत्म ही नहीं हो सकती क्योंकि वो है ही, कंटिन्यूस है। मैंने इनको वो 3 चेंजर वाला गदल का आशिर का किस्सा बताया पूरा। आशिर छोटा था तो गाना गाता था उलझा का, और मैं निकला गड्डी लेके, तो डेफिनेटली वो मूवी हम लोगों ने बहुत देखी है, और हमारी नहीं, हम हर घर की फेवरेट मूवी रही है वो। और गदर 2 तो बहुत बाद में आई है, इंस्टेंस कभी चल रही है टीवी पे, यू नो गदर का ऐसा एक इम्पैक्ट होता है कि आप चैनल नहीं चेंज करोगे, अगर आ रही है तो कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जो आप चैनल चेंज नहीं करोगे, तो गदर वॉज वन ऑफ देम, अभी भी वैसी है। और गदर 2 के लिए डेफिनेटली वी ऑल आर वेरी मच एक्साइटेड, जिसमें एक्साइटमेंट की कोई कमी हो ही नहीं सकती, तो बहुत अच्छा, वी आर ब्लेस्ड कि मनीष है उसमें, बहुत अच्छा लगता है इनके साथ। सर ने बताया कि आप मैनिफेस्ट आपने किया था कि हाँ। मैनिफेस्ट एक्चुअली क्या था, मैं सनी देओल पाजी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत टाइम से उनको फॉलो करती थी, तो उनका एक पोस्ट आया कि शेड्यूल वन पैकअप फॉर गदर 2, और मुझे लगा यार गदर वन गदर 2 आ रही है, एक्साइटमेंट भी थी। फिर आप कास्ट देखते हो कि सकीना है उसमें, सनी देओल है, अच्छा अमरीश पुरी जी नहीं है यार। मैं तो ऐसे लगता था कि इस टाइम विलन तो हो गया होगा, डेफिनेटली फाइनल हो गया होगा, मन में ऐसा नहीं था, बट ये था कि अगर इस टाइम कुछ है कोई, अगर आई डोंट वॉन्ट टू यूज़ द वर्ड रिप्लेस, बट हाँ
कहीं उनकी कमी को थोड़ा सा कुछ कोई पूरा कर सकता है, तो अगर मैं एज एन ऑडियंस, इट्स नॉट अपने हस्बैंड की तरह नहीं, एज एन ऑडियंस मैं देखूं, तो इस टाइम इंडस्ट्री में बॉलीवुड चाहे सीरियल चाहे कहीं पे भी मुझे इनसे बेटर कोई नहीं दिखता था। तो ये डेफिनेटली, और मैं बहुत टाइम पहले कहीं पे कुर्ती भी अफवाह सुनी थी कि शायद मोगैम्बो भी फिर से बन रहा है, तो मैंने कहा यार मेरे घर पे मोगैम्बो 2 बैठा हुआ है। एक्चुअली घर पे इन्होंने मेरा विलन का रूप देखा हुआ है ना, इसलिए तो मोगैम्बो ना से ही कहीं ना कहीं छू लिया उसको डेफिनेटली। तो जब आप इतनी बड़ी फैन हैं और शूटिंग शुरू हुई तो आपने बोला कि मुझे सनी देओल से मिलना है, अभी कट कीजिए कट कीजिए आप ये खुशी कहाँ सुनी एलर्जी एलर्जी के भाई एकदम से एसी में आ गई ना बाहर से। अच्छा, तो आपने कहा नहीं कि आप सनी बाजी के साथ शूट कर रहे हो, मुझे कम से कम एक दिन के लिए ले जाओ। एक्चुअली इन्होंने पीछे पठान में काम किया था, तो मैंने, मुझे याद है कि अभी हमारी शादी को अप्रोक्सीमेटली 25.5 साल हो गए हैं, अगर मुझे किसी से मिलना था जॉन से मिलना था। मैंने कभी नहीं बोला सर, देखो क्या होता है कि फ़ैन होना, उनको पसंद करना बहुत अच्छी बात है, बट उनकी अपनी बाउंड्रीज होती हैं, हम लोग कुछ और बोल दें या कुछ, मुझे अच्छा लगता है उनको एडमायर करना देखना। हाँ डेफिनेटली जब सामने होंगे तो मैं मिलना पसंद करूँगी उनसे, अगर वो सौभाग्य मिला तो, बट ऐसे क्योंकि वो प्रोफेशनल एरिया है, पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल एरिया के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं कभी इनकी शूट पे भी नहीं गई, मतलब 2 से 3 बार 25-26 सालों में हम लोग 2 से 3 बार इनकी मैं शूट पे गई हूँ, तो वहाँ पे देखा कि नहीं, वो ऑफिस एरिया में अगर वाइफ जाके नहीं बैठ सकती तो जस्ट बिकॉज ही इज़ इन टू एक्टिंग, तो मैं उनका जाके वहाँ पे काम नहीं खराब सकती कर सकती हूँ ना। तो उनका पर्सनल टाइम है वहाँ पे, जैसे घर पे है तो घर का टाइम है। तो मुझे बताइए कि इन्होंने बताया नहीं कि इन्होंने कहा कि आपसे जब पहली बार दिखाया था घर वालों ने तो आपकी सादगी पसंद आई, बस इतनी छोटी सी बात की और थोड़ा सा शर्मा गए सर, आपको ऐसी कौन सी बात लगी कि मुझे इनसे शादी करनी, पूछा था घर वालों ने आपसे कि लड़का पसंद है एक्टिंग करता है, क्या बात हुई? एक्चुअली पता है मेरे साथ तो कौन है देखना है, आई थिंक लास्ट ही हो गई है। हां लास्ट है, वो कौन सी बात, आप घर में क्या चर्चा हुई थी? मैं तो शादी के मूड में ही नहीं थी, और अगर देखा जाए तो मेरे को जो नहीं चाहिए था शादी के साथ वही मुझे मिला, मुझे बॉम्बे शहर नहीं चाहिए था, मुझे बॉम्बे मिल गया, मुझे एक्टर तो बिल्कुल नहीं चाहिए था, और मुझे मूछ वाला हस्बैंड चाहिए था, तो मेरी तीनों शर्तें पूरी नहीं हुई। पर ठीक है, मम्मी मतलब पापा से फ़ोन पर बात हुई थी, उन्होंने बोला बेटा कर लो शादी, नहीं कर ले ओके। हमारे वाला टाइम वो था जब पापा मम्मी जो बोले ओके डन हो जाता था। तो कुछ सवाल आप लोगों ने पूछे थे, इन सर ने पूछा था आपसे कि जो मैंने इनसे नहीं अपने देवर से पूछा था। अच्छा, क्या उनसे पूछ, उन्होंने बोला मेरा नाम राजीव है, मैंने कहा अच्छा बड़ा ओल्ड फैशन है, तो कहते हाँ 24 साल पुराना है। तो उनसे मेरी बातचीत अच्छी हुई थी, इनसे ज़्यादा उनसे मेरी बातचीत अच्छी हुई थी, तो ये मैं अभी मैं चाहता नहीं कि मैं भी इससे डाइवर्ट हो जाऊं और लोग भी हो जाएं, अभी सिर्फ ध्यान कंसंट्रेशन सिर्फ गदर पर रखते हैं। क्या कहेंगे आप दर्शकों को जाते आते, अब कोई सवाल नहीं है दिल की बात, आपने मुझे हमेशा प्यार दिया है किसी भी कैरेक्टर में, मैं एक सिर्फ एक्टर हूँ, चाहे मैंने पॉजिटिव किया हो या नेगेटिव किया हो, वो मुझे नहीं लगता वो किसी तरह से एक एक्टर पर फर्क पड़ता है, जैसे प्यार दिया है हमेशा देते रहे। थैंक यू। आप दोनों की जोड़ी तो बहुत सुंदर है, आप क्या कहेंगे? हम लोग एक बार भाईंदर, छोटा सा इंस्टेंस है, हम भाईंदर से फाटक, तब वो बना नहीं था तो रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे थे, तो एक बहुत बुजुर्ग आदमी थे और उन्होंने बोला मुझे, ये आगे चल रहे थे मैं थोड़ा पीछे चल रही थी, तो तब बोला शू जोड़ी छे, अब मुझे नहीं पता था मेरे को गुजराती नहीं, मैंने कहा उस आदमी ने हम लोग को गाली दी। तो उसने बोला क्या बोले, कहते मैंने बोला शू जोड़ी छे, कहते इसका मतलब होता है कितनी सुंदर जोड़ी है, मैंने कहा तो उसको और ज्यादा मारो। नहीं एक्चुअली बात सही है, जोड़ी बहुत अच्छी है हमारी। अब तो शक्ल से भाई बहन भी दिखने लगे, हमारे बच्चे हमें यही बात बोलते हैं, अब शक्ल से भाई बहन दिखने लग गए साथ रह रहे के। क्या बात है, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को जो इनको इतना प्यार देते हैं? हर हाल में पहला शो
ज़रूर देखिए, अपने परिवार के साथ देखिए और अपने सब फ्रेंड्स के साथ देखिए, और प्लीज़ 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 आप टैग कीजिए, मनीष जी को पसंद कीजिए, सनी पाजी को पसंद कीजिए, और बस बहुत 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 प्यार दीजिए, बहुत प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।